problems so that it will be easy for you to solve the problems given in your book. You will So here is one of the problem, an electric bulb of resistance 400 ohm. Look at this solution. Electric bulb is having resistance of 400 ohm, draws a current of 0.5 ampere. So I is given 0.5 ampere. Calculate power and along with that potential difference is to be calculated. बच्चों पावर के चार पांच फॉर्मूले हम इसके पहले पढ़ चुके हैं. अब यहां कौन सा अप्लाई होगा आप देख सकते हैं. आई और आर के टर्म में जो फॉर्मूला हमने पावर का डिराइव किए थे वो हम यूज कर सकते हैं. तो देखो बाय द फॉर्मूला ऑफ पावर, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर. पढ़े इसके पहले में देयरफॉर पावर इज गिवन बाय देखो 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस इज ऑफ 400 ओम. सो इज इट 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 400. ओके चलो इसको सिंपल सी लैंग्वेज में मैं लिख लू 2500 इसको मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाइड बाय 400. 0000 गया 100. So 100 watt is the power of that appliance. And what is the second problem? Voltage calculate करना है. आपके पास V calculate करना है, R दिया हुआ है, I भी है. Ohm's law use करके देखते चलो. Okay. So by Ohm's law निकालना क्या है? V R is equal to V by I. Therefore V is equal to R into I. R is given 400 मल्टीप्लाइड बाय करंट कितना है 0.5 एम्पीयर. ओके दैट्स 5/10 हाँ 400 इनटू 5/10 सो इट इज 200 वोल्ट. सो द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. स्टूडेंट्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इसके पहले भी ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है. क्वेश्चन है कि आपके पास दो कंडक्टिंग वायर है सेम मटेरियल यानी रेजिस्टिविटी सेम हो गई देन इक्वल लेंथ दोनों का लेंथ सेम है दोनों का डायमीटर भी सेम है. इसका मतलब दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम होना चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड ही इन सारे फैक्टर्स पर करता है. कहने का मतलब है आपके पास दो वायर्स हैं और दोनों का रेजिस्टेंस सेम है. ओके सो लेट आर वन इज इक्वल टू आर टू और मान के चलिए इट इज आर ओम. कितना है आर ओम. ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर. आर वन इज आर ओम एंड आर टू इज ऑफ आर ओम. अब कहना क्या है देखो कि एक बार इन दोनों वायर को सीरीज में लगाया गया तब इन्होंने जितना हीट प्रोड्यूस किया होगा मतलब हीट जितना प्रोड्यूस हुआ होगा अगर इन्हीं दो वायर्स को पैरेलली कनेक्ट किया जाए तो ऐसे केस में कितना हीट प्रोड्यूस होगा. तो सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके तो यहां पर मैं लिख के रख रहा हूं देखो इन सीरीज कॉम्बिनेशन. सो एट फर्स्ट देखिए इन दोनों को जब सीरीज में कनेक्ट किया गया तो दिस विल बी आर वन हियर इट इज आर टू एंड लेट सपोज दिस इज दी वी विच इज वोल्टेज. वोल्टेज भी कॉमन है दोनों में टाइम भी कॉमन है ना सेम टाइम के लिए करंट पास हो रहा है. तो आर वन ये है ये आर टू है. अब हमें पता है बच्चों कि हीट प्रोड्यूस इन सीरीज मस्ट बी इक्वल टू करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम यानी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. ठीक है अब हमें सीरीज में करंट पता होना चाहिए रेजिस्टेंस और टाइम पता होना चाहिए. तो सबसे पहला काम रेजिस्टेंस निकालेंगे. देखो तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज आर वन प्लस आर टू कितना हो जाएगा आर प्लस आर इज इक्वल टू टू आर. हमें आर एस मिल गया यानी रेजिस्टेंस इन सीरीज. अब करंट निकालते हैं. आपको पता है कि करंट इज इक्वल टू वी बाय आर. Therefore, current in series will be equal to V by resistance in series. Therefore, current is equal to V by resistance in series is 2R.
अब हमें आई डी मिल गया और टी तो कॉन्स्टेंट है दोनों केसेस में, इसीलिए अब देखो हीटिंग सीरीज क्या हो जाएगा, आई स्क्वेयर आर इंटू टी, तो आई इज वी बाय टू आर का स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय 2R the resistance of series combination multiplied by T. Therefore, it will be V square divided by 4R square multiplied by 2R into T. Okay, R और ये एक R cancel हो गया. What is left? V square into 2 into T divided by 4R 2 1s are 2 2s are. तो heat in series is V square T divided by 2R. यहां तक समझ में आ गया? ये हो गया सीरीज में हीट प्रोड्यूस्ड. नाउ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, सो इन पैरेलल सेम प्रोसेस से हम जाएंगे. यहां पर क्या हो रहा है देखो, दोनों को पैरेलली कंबाइन किया गया है. ये R1 है, ये R2 है, और ये हो गया वोल्टेज V जितना पहले सर्किट में था. This is the direction of the flow of current, जो मैं यहां पर भी mention कर देता हूं. ठीक है, अब हमें पता है heat in parallel should be equal to current in parallel का square multiplied by resistance in parallel combination multiplied by time. अब हमें निकालना है I और R, उसके बाद heat और फिर ratio ले लेना है. तो पहले resistance निकाल लेते हैं. R1 and R2 parallel है, therefore 1 by RP must be equal to 1 by R1 plus 1 by R2, therefore 1 by RP is equal to 1 by R plus 1 by R which is equal to 2 by R, therefore 1 by RP is equal to 2 by R, therefore RP is equal to R by 2. Fine, तो हमें मिल गया resistance in parallel. अब हमें निकालना है current in parallel. Okay, now what is the current in parallel? देखो, करंट इन पैरेलल मस्ट बी इक्वल टू वी बाय रेजिस्टेंस इन पैरेलल. ओके, तो करंट इन पैरेलल इज इक्वल टू वी बाय वोल्टेज, तो सेम है दोनों केसेस में, लेकिन रेजिस्टेंस आर बाय टू है, तो इट इज इक्वल टू आर बाय टू, देयरफॉर करंट इन पैरेलल इज इक्वल टू टू वी बाय आर. ठीक है, ये मिल गया करंट. तो अब हम निकालेंगे हीट इन पैरेलल. ओके, सो हीट इन पैरेलल इज करंट इन पैरेलल का स्क्वायर multiplied by resistance in parallel multiplied by time. Now tell me what is the current in parallel? 2V divided by R का square multiplied by resistance in parallel कितना है देखो जरा, R by 2 multiplied by T, therefore 4V square divided by R square multiplied by R by 2 into T. देखो फिर से एक R के साथ ये R कट गया, 2 1s are 2, 2s are, so what is left? Heat in parallel is equal to 2 time V square T divided by R. So this is heat produced in parallel. अब इधर देखिए, बाकी का पार्ट हम यहां सॉल्व करेंगे. Now ratio of, कौन सा ratio निकालना है? Find the ratio of heat produced in series, यानी heat in series divided by heat in parallel. What is heat in series? Where is the answer? Heat in series, V square T divided by 2R. Heat in parallel से divide करना है, मतलब reciprocal लेके multiply कर देता हूं मैं. इसका reciprocal ले लेते हैं, R divided by 2V square T. अब देखो V square T, R, R, तो heat in series to heat in parallel is, देखो 1 divided by 2 into 2, 4. So the ratio of heat produced in series combination to that of the heat produced in parallel combination. Problem again, how many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere in 220 volt line? यानी आपके पास 176 ओम वाले बहुत सारे रजिस्टर अवेलेबल है, एन नंबर ऑफ रजिस्टर अवेलेबल है, और इन 176 ओम वाले रजिस्टर्स को आपको पैरेलली कंबाइन करना है सच दैट करंट 5 एम्पीयर का फ्लो होगा और वोल्टेज 220 जब होगा उस समय. तो
अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, तो एन नंबर ऑफ रजिस्टर हमको पता है ना, वैल्यू ऑफ रजिस्टर यानी आर आपको पता है 176 ओ, हमें आपको एन भी पता है, मतलब आपके पास ओके नंबर ऑफ रजिस्टर्स भी आपको पता है और नंबर ऑफ रजिस्टर्स आपके पास है एन, इक्वल वैल्यू वाले रजिस्टर है सारे 176 वाले रजिस्टर्स है। एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे रजिस्टर 176 ओम वाले पड़े हुए हैं, उसमें से कितने रजिस्टर्स उठा के आप कनेक्ट करोगे पैरेलली ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, 5 एम्पीयर ऑफ करंट 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से कंज्यूम हो सके। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से 5 एम्पीयर करंट अगर कंज्यूम होना है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। एक बार आपको पता चल गया कि टोटल रेजिस्टेंस इतना होना चाहिए तो अब हम एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को जोड़ के उतना रेजिस्टेंस बना लेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपके पास करंट कितना है। देखो जरा, आई इज इक्वल टू 5 एम्पीयर एंड वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो बाय ओहम्स लॉ आर इज इक्वल टू वी बाय आई, दैट इज 220 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 4s are 20, 44। अब थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया प्रॉब्लम, यानी अभी आप कह सकते हैं कि कितने 176 ओहम रेजिस्टर्स को पैरेलली कंबाइन करना है ताकि टोटल रेजिस्टेंस 44 ओहम हो। कितना हो? 44 ओहम, क्योंकि इतना ही रेजिस्टेंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला है। सो प्लीज ध्यान दीजिए, नाउ वन ऑफ द टॉपिक दैट आई एक्सप्लेन एंड वन ऑफ द वीडियो ऑफ द सेम चैप्टर, याद करो अगर आपके पास एन नंबर ऑफ रजिस्टर है सेम वैल्यू वाले, तो ऐसे केस में टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 1 by RP is equal to 1 by R plus 1 by R plus 1 by R n time, that is 1 by RP is equal to 1 by R multiplied by n, power nahi hai, multiply hai, therefore 1 by RP is equal to n by R, therefore RP iska reciprocal le lete hai R by n, RP kitna ho gaya R by n। To अब हमारे पास फॉर्मूला है RP is equal to R by N, हमें निकालना है N, how many number of resistors यानी N निकालना है, तो N is equal to R by RP, यहां पर R stands for एक रजिस्टर की वैल्यू 176, RP how much resistance of the combination you required and you required 44, okay, so it is equal to, I think n is equal to 4, okay, so as a 4 number of resistances ab combine karenge, so that 220 volt supply line se 5 ampere ka current consume ho, aur वैसे तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी है, लेकिन काफी सारे लोगों को इस न्यूमेरिकल में काफी ज्यादा डिफिकल्टी जाती है अंडरस्टैंडिंग में, इस प्रॉब्लम को समझने में। तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, यहां पर कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं कि लेंथ के साथ रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आर ओहम के वायर को आपने दो टुकड़ों में अगर कट कर दिया तो हर एक टुकड़े का रेजिस्टेंस आर बाय टू होगा, कितना होगा R by 2, same like that, अगर आपने 10 ओहम के वायर को दो टुकड़ों में कट कर दिया तो ऐसे केस में हर एक टुकड़े का रेजिस्टेंस क्या होगा, 5 ओहम each, है ना, because length half हो गया तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस भी half ही होना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओहम, अब इस वायर को सर्किल की फॉर्म में बेंड किया गया लाइक दिस, और अक्रॉस इट्स डायमीटर बैटरी कनेक्ट कर दी गई, पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, ये करंट का फ्लो हो गया। कहने का मतलब है दिस वन ऐसे दो पीसेस को पैरेलली जोड़ दिया गया, ओके दो पीसेस को पैरेलली जोड़ दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि डायमीटर के अक्रॉस में अगर कनेक्ट कर दी गई बैटरी तो दो
जो पीसेस बनने वाले हैं उनकी लेंथ भी इक्वल होगी, है ना। यानी हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस वन साइड आ गया, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस वन साइड आ गया, यानी हाफ लेंथ एक तरफ आ गई, दूसरी हाफ लेंथ एक तरफ आ गई। अब पूरे वायर का रेजिस्टेंस अगर 10 ओम था तो आधे वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 ओम और ये हो जाएगा 5 ओम। इसको ही सिंप्लीफाइड हम कैसे बना सकते हैं, तो ये एक 5 ओम का रेजिस्टर है और ये दूसरा 5 ओम का रेजिस्टर है और यहां पर है बैटरी, ओके, दैट इज हैविंग वोल्टेज इक्वल टू वी, दिस इज ऑफ 5 ओम। नाउ इट मस्ट बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, अब आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो R1 एंड R2 आर पैरेलल, ओके, दोनों एक मेक से पैरेलल है एंड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब है टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, देयरफॉर 1/RP इज इक्वल टू 1/5 + 1/5, सो 1/RP मस्ट बी इक्वल टू 2/5, देयरफॉर RP इज इक्वल टू 5/2, देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 2.5 ओम। कहने का मतलब है कि अगर 10 ओम वाले वायर को एक सर्कल के फॉर्म में बेंड करके उसके डायमीटर के अक्रॉस में अगर बैटरी कनेक्ट की जाए तो ऐसे केस में हाफ हाफ लेंथ वाले दो वायर्स को हमने मानो पैरेलली कंबाइन कर दिया हो, ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा और लेंथ हाफ हो गई तो रेजिस्टेंस भी हाफ होने वाला था। यानी कुल मिलाकर हमने 5 ओम ईच वैसे दो वायर्स को पैरेलली कंबाइन किया है एंड इट इज लाइक दैट, सो देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन विल हैव रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। The problem when two resistors of resistance R1 and R2 are connected in parallel, the net resistance is 3 ohm. जब इनको parallelly connect किया गया है तो total resistance 3 ohm का है और इन्हीं को जब आप series में combine कर रहे हैं तो total resistance 16 ohm का है। तो question ये है R1 R2 की value find out करना है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आपको बहुत अच्छे से ये problem समझ में आ जाएगा। देखो एज पर द गिवन कंडीशन, एज पर द कंडीशन, अगर आपने R1 R2 को पैरेलली जोड़ा तो टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम आ रहा है, यानी 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, दैट इज 1/3 इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, दैट इज 1/3 इज इक्वल टू R1 + R2 / R1 × R2, बराबर है। That is why 3 is equal to, इसका reciprocal ले रहा हूं मैं, R1 × R2 / R1 + R2, लेट दिस बी द इक्वेशन नंबर 1, ओके। नाउ व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज R1 + R2 is equal to 16. This is equation number 2. हमें करना क्या है, देखो equation 2 की इस value को equation 1 में put करना है, okay? Put the value that is R1 + R2 is equal to 16 from equation number 2 in equation number 1. 5, तो क्या हो जाएगा, देखो 3 इज इक्वल टू R1 × R2 / R1 + R2, कितना है R1 + R2 इज गिवन 16, देयरफॉर R1 × R2 इज इक्वल टू 16, 3 = 48। यहां तक समझ में आ गया है, तो देखो R2 इज ऑल्सो इक्वल टू 16 माइनस R1, ओके, R2 इज ऑल्सो इक्वल टू 16 - R1, हमें R2 की जगह यही वैल्यू पुट करनी है बेटा। देखो तो R1 × 16 - क्या हो जाएगा, R1 = 48, अंडरस्टूड और नॉट। नाउ आगे बढ़ेंगे, देखो इट वॉज फ्रॉम इक्वेशन, ओके, तो R1 × 16 कितना हो जाएगा 16 R1 माइनस R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 48, ठीक है। 48 को इस साइड ले लीजिए, क्या होगा 16 टाइम R1 माइनस
आर वन स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू जीरो। रीअरेंज करिए तो क्या मिलेगा, आर वन स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर प्लस 16 टाइम आर वन माइनस 48 इज इक्वल टू जीरो। चलो मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय नेगेटिव, ओके तो क्या मिलेगा, आर वन स्क्वायर माइनस 16 टाइम आर वन, ये माइनस हो गया और यहां माइनस से मल्टीप्लाई की ये बन गया प्लस 48 इज इक्वल टू जीरो। नाउ स्प्लिट द मिडिल टर्म, नाउ स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो देखो नेगेटिव 16 के दो फैक्टर्स आपको यहां पर मिलेंगे, नेगेटिव 12 एंड नेगेटिव 4। नेगेटिव 12 इंटू नेगेटिव 4 हो जाएगा पॉजिटिव 48, और नेगेटिव 12 नेगेटिव 4 इनका कैलकुलेशन आ जाएगा नेगेटिव 16। तो बेसिकली आर वन स्क्वायर माइनस 12 टाइम आर वन माइनस 4 टाइम आर वन प्लस 48 इज इक्वल टू जीरो। यहां से मैं आर वन कॉमन निकाल लेता हूं तो बचेगा आर वन माइनस 12 और माइनस ऑफ, देखो जरा यहां आर वन माइनस 12 मुझे चाहिए तो इसके लिए मुझे यहां क्या निकालना पड़ेगा, 4 टाइम आर वन एंड नेगेटिव 4 नेगेटिव 12 48 इट इज इक्वल टू जीरो। तो इन दिस वे आर वन माइनस 4 इंटू आर वन माइनस 12, इस तरह से मुझे आर वन की दो वैल्यूज मिली, आर वन इज इक्वल टू 4 ओम और आर वन इज इक्वल टू 12 ओम। एक बार आपको R1 की वैल्यू मिल गई तो R2 कैसे निकालोगे, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 16। अगर R1, इफ R1 इज इक्वल टू R से लेके 4 ओम, तो ऐसे केस में 4 प्लस R2 इज इक्वल टू 16, तो R2 इज इक्वल टू 16 माइनस 4 दैट इज 12 ओम। ठीक है, तो ये R2 की वैल्यू मिलेगी एंड अगर आप R2 की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आपको R1 की वैल्यू मिल जाएगी। इन दिस वे R1 और R2 की दो वैल्यूज आपके सामने है, इफ R1 इज 4 R2 विल बी 12 एंड इफ R1 इज 12 देन R2 विल बी 4, दैट्स इट।